हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक रहस्यमयी शिव मंदिर है जिसकी गुत्थी आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ऊंची पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर पर पार्वती और व्यास पार्वती और व्यास नदी का संगम भी है। इस मंदिर पर हर 12 साल में आकाशीय बिजली गिरती है लेकिन इसके बाद भी मंदिर को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता। सदियों से चले आ रहे इस रहस्य के बारे में चलिए जानते हैं कुछ रोचक बातें। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ की विशालकाय घाटी सांप के रूप में है जिसका वध महादेव के द्वारा किया गया था। बताया जाता है कि हर 12 साल में भगवान इंद्र भोलेनाथ की आज्ञा लेकर बिजली गिराते हैं। बिजली के गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है और इसके बाद मंदिर के पुजारी खंडित शिवलिंग पर मरहम के तौर पर मक्खन लगाते हैं जिससे कि महादेव को दर्द से राहत मिले। इस शिवलिंग को स्थानीय लोग मक्खन महादेव भी कहते हैं तो कुछ लोग इसे बिजली महादेव का शिवालय भी कहते हैं। भोलेनाथ का ये शिवलिंग कुल्लू से 18 किलोमीटर की दूरी पर मथान नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों पौराणिक कथा में बताया गया है कि इस मंदिर में कुलांत नाम का एक दैत्य रहा करता था। एक बार उसने सारे जीवों को मारने के लिए व्यास नदी का पानी रोक दिया था। ये देख महादेव क्रोधित हो गए। इसके बाद महादेव ने एक माया रची। भगवान शिव दैत्य के पास गए और उसे कहा कि उसकी पूंछ में आग लगी है। महादेव की बात को सुनकर दैत्य ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो शिवजी ने त्रिशूल से कुलांत के सिर पर वार किया और वे वहीं मर गया। कहा जाता है कि दैत्य का विशालकाय शरीर पहाड़ में तब्दील हो गया जिसे आज हम कुल्लू के पहाड़ कहते हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव ने कुलांत का वध करने के बाद इंद्र से कहा कि वे हर 12 साल में वहाँ बिजली गिराएं। ऐसा करने के लिए भगवान शिव ने इसलिए कहा जिससे जन धन की हानि ना हो। भगवान खुद बिजली के झटके को सहन कर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारी नई और लेटेस्ट वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।